Ya pongo que lo haría con ese mes sobre pa. वीडियो कौन ना बनाए लगी वीडियो बना के की होता है मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में बागमती नदी के किनारे से एक महिला और दो बच्चों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। स्थानीय लोगों की सूचना पर गायघाट पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि तीनों का शव सड़े गले हुए हालत में बरामद किया गया, जिसके चलते काफी कोशिशों के बाद मृतकों की पहचान हो सकी। मृतकों की पहचान गायघाट के दीपक शाह की 28 साल की पत्नी नीतू कुमारी और 6 साल के बेटे सूरज कुमार और 4 साल की बेटी गंगा कुमारी बताया जा रहा है। शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मृतिका नीतू की शादी 28 अप्रैल 2012 को गायघाट निवासी दीपक साहू से हुई थी। मृतक महिला के भाई राकेश कुमार ने बताया कि उसे बीते 20 सितंबर को उसके जीजा दीपक कुमार ने फोन पर बताया था कि वो घर से गायब हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जब तलाश शुरू की तो अगले दिन तीनों का शव कटरा मोड़ के पास तुर्क टोलिया गांव के बागमती नदी के किनारे पानी से भरे गड्ढे में बरामद हुआ। घटना घटी ऐसे मेरा फोन हुआ, जैसे से बात है, घर से निकल गया हुआ है तो दो दिन, एक दिन पहले फोन बात हुआ। कौन दिन था उस दिन? बुध दिन था। अच्छा, तो इसलिए पैसा मांग रहा था, इसके बाद से मार देंगे, ये कर देंगे। कितना पैसा मांग रहा था? 2 लाख, मतलब दुकान खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई मतलब 3 लाख दी थी दवा डाल के, ऐसे ऐसे घटना किया। आपको कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिली से फोन हुआ से हुआ से गायब है, यहाँ से खोज पहचान हम लोग गए स्टेशन, 20 दिन बड़ा खोज खाज किए तो नहीं मिला, तो आए हैं इनको दरवाजा पर आए हैं तो देखे हैं, तब वो मालूम चला से यहाँ पर लाश दहा रहा है। इनके घर पर कोई है? इनके और सब भाग गया। पूरा मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की है। मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतिका की बहन का आरोप है कि ससुराल वाले लगातार दहेज की डिमांड कर रहे थे, दहेज नहीं देने की वजह से उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर डाली। पूरा पता बोलिए, कौन थाना में? मीनापुर थाना, नेवड़ा। गाँव का नाम? कितना देर पहले शादी हुआ था? कैसा साल हो गया शादी का? 2012 में शादी हुआ था। 2012 में खोज रहे हैं, यहाँ से फोन किया कि मार के यहाँ से चला गया, खोज रहे आपका बेटी चला गया। क्या नाम है जो मरी है उसका? नीतू देवी। बच्चा सबका? बच्चा का नाम है गंगा, वो के नाम है, पति नाम है सुजीत। उसके पति का नाम क्या है? दीपक सा। काहे मारा है इसको? उसको मारा है शायद दहेज के कारण, की कथी कुछ मांगा है, मारा है, चूड़ी फोड़ दिया है, माने दुकान कैले है, तो ऊपर कंधा सासो मारा, और उधर से आके का बोला है ओकर हस्बैंड भी मारने लगा। आप कौन है उसके? कौन है? क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। वही इस हत्याकांड के बाद मृतिका के ससुराल वाले घर से फरार है। वही दूसरी तरफ पुलिस अब तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।